हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्रंट वाली अप डाउन कुर्ती की स्टिचिंग बताऊंगी। इसकी कटिंग हमने हमारी पिछली वीडियो में बता रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चेन लगाएंगे। इसमें ये हमने अस्तर की कटिंग इस तरह से कर रखी है और इसमें हमने एक एक सिलाई लगा ली है। सिलाई हमने इस तरह से लगाई है, दोनों ये भी सीधा है और ये अस्तर का भी सीधा है। इससे हमने उल्टी साइड में सिलाई लगाई है ताकि ये हमारा सिलाई वाला जो भाग है वो अंदर चला जाएगा और ये इस तरह से बाहर आ जाएगा ताकि हमें चेन लगाने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम इसमें चेन लगाएंगे, उसके बाद में हम इसकी कंधे की सिलाई करेंगे। अब इसमें हम चेन की सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम इस साइड में हम चेन की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर हम सिलाई लगाते आएंगे। इसके बाद में इस तरह से इसी तरह हम इस साइड भी लगाएंगे। पहले हम इस पे लगा लेते हैं चेन। ये हमने इस साइड पे हमने सिलाई लगाई है चेन की। अब इस वाले भाग में भी हम इसी तरह इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने चेन लगा ली है इसमें और हमने इसमें कंधे की सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। कॉलर की लंबाई है हमारी 16 इंच और 1 इंच हम इसमें बढ़ के लेंगे। ये हमने 4 इंच कपड़ा लिया था, इसमें हमने 1.5 इंच पेपर पेस्ट्री की कटिंग करके इसमें प्रेस से हमने इसे चिपका दी है और एक साइड से हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम कॉलर लगाएंगे। कॉलर हमने इस तरह से बनाई है, ये हमारी चौरस कॉलर बनी गई है। यहाँ से हम इतना मार्जिन छोड़ेंगे इसकी सिलाई का और यहाँ से हम इसकी कॉलर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसके कॉलर की सिलाई लगा ली है और इस तरह से ये अंदर की साइड में पलट जाएगा, इस तरह से कॉलर बनेगी। सबसे पहले हम यहाँ से इसका कॉलर का जो खुला हिस्सा है उसे हम पैक करेंगे। इसे इस तरह से पैक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसे लेके और इसकी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में ये अंदर चला जाएगा और इस तरह से एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इसे अलग कर देंगे। इस तरह से ये कॉलर इस तरह से बनेगी और एक सिलाई हम यहाँ पर अंदर की साइड में लगा लेंगे। ये हमने कॉलर में सिलाई लगा ली है, ये कॉलर सिल के तैयार हो गई। इसमें हमने आस्तीन भी अटैच कर ली है और फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें नीचे 5 इंच का जो हम पट्टी लगाएंगे कपड़े की, वो हमने इसे कटिंग करके और थोड़ा सा नीचे से इसे आधा इंच फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से लगाएंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पूरी गोलाई पे हम लगाएंगे। इस तरह से ये आएगी, इस तरह से ये नीचे हमारा कपड़ा दूसरे कलर का हम लगाएंगे। ये हमने चारों तरफ इस तरह से पट्टी लगा के सिल के तैयार कर ली है। ये हमारी आगे फ्रंट वाली जीप वाली अप डाउन कुर्ती है। इसमें हमने चूड़ी वाली आस्तीन भी रखी है, हमने इसकी वीडियो एक अलग से बना रखी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।